गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछली वीडियोस में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड हमने बात की थी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनके थ्रू अगर हमने कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ग्रॉस परचेजेस में से जब हम रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज निकल आ जाएगी, हमारे पास निकलेगी नेट परचेजेस। उसके बाद अगर हमने नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न इनवर्ट को हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ निकल आ जाएगी, नेट सेल्स निकल आ जाएगी। के बाद हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब उसके बाद हमने निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स माइनस COGS। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आ जाएगा। अगर हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, इन नेट प्रॉफिट। ओके, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये हमारे सारे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज हमारे यूज हो रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे इन फॉर्मूलाज को सम्स में अप्लाई करना है। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज का पता चल जाए कैसे हमने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आप जो है फॉर्मूला से फैमिलियर भी हो जाओगे। ओके, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, From the following figures, calculate COGS, cost of goods sold. From the following figures, calculate COGS. एक टेबल बना लीजिए, क्या कह रहा हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 30,000,
परचेजेस है हमारे पास 650,000, परचेज रिटर्न है हमारे पास 10,000, डायरेक्ट वेजेस है हमारे पास 15,000, कैरेज इनवर्ड हमारे पास 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 28,000। तो हमें ये टेबल की जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेजेस है 650,000, परचेज रिटर्न है 10,000, डायरेक्ट वेजेस है 15,000, कैरेज इनवर्ड है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 28,000। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है COGS, ठीक है। तो COGS का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है, 30,000, ओके। अब हमने क्या करना है, नेट परचेजेस निकाल दिया, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए नेट परचेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेजेस कितनी थी हमारे पास गिवन 650,000, उसमें से परचेज रिटर्न 10,000 हमने माइनस कर दी, तो नेट परचेजेस कितनी आ गई हमारे पास 640,000, 640,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है, एक हमारे पास गिवन है वेजेस और दूसरे हमारे पास गिवन है कैरेज इनवर्ड, दो तरह के हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, वेजेस कितने हमारे पास 15,000 और कैरेज इनवर्ड कितने गिवन है हमारे पास 3,000, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 18,000 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 28,000, तो 28,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 30,000 प्लस 640,000 प्लस 18,000 माइनस 28,000, तो हमारे पास कितना बैलेंस आ गया 660,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा निकला क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। होप आप लोगों जो है ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी रहती है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।